सॉलिड सॉलिड। गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, है ना। तो आज है संडे, हम थोड़ा ज़्यादा ही लेट उठे, 9:30 बजे उठे हैं, है ना। और नहा धो लिया, अभी हम जाएंगे मंदिर, है ना, फिर आकर देखते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर आ चुके हैं, लेकिन मंदिर हो चुका है बंद, क्योंकि हम आज बहुत लेट आए हैं, है ना, नहीं तो खुला मिलता। खैर चलिए, हम अपना काम करते हैं, पूजा करते हैं और निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर में हमारी पूजा हो चुकी है, तो अभी हम चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं, अंधेरा है, एक मिनट, लेकिन यहाँ का व्यू अच्छा लगता पीछे का, मंदिर का। तो अभी ब्रेकफास्ट देखेंगे क्या है। तो फ्रेंड्स, मम्मी आ गई हैं, है ना, और ब्रेकफास्ट देखिए, पनीर की सब्जी और ब्रेड, सॉलिड सॉलिड। फ्रेंड्स, हम ज़रा नीचे आए हैं मम्मी के पास, है ना। ये मम्मी की खिचड़ी बन रही है, उनका आज फास्ट है क्योंकि, है ना। लेकिन मम्मी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, सुनो तो। जब गुरुवार उपासी रहती तो पीला खाती हैं, है ना, और जब इतवार उपासी तो सफ़ेद गुलाबी कब खाती हैं, गुलाबी रंग। मंगलवार को गुलाबी, अच्छा जी, मतलब दिन में अलग अलग रंग डिसाइड करें। मम्मी ने कल बनाया था गाजर का हलवा, है ना, किसी मैंने थी लेकिन। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ कुछ एक अच्छी बात हुई है, है ना। आज है संडे, लेकिन पापा को कुछ काम से ऑफिस जाना था, है ना, तो मुझे लगा कि वो गाड़ी लेके जाएंगे, लेकिन वो गाड़ी छोड़ के चले गए, वो दोस्त के साथ चले गए। देखिए, अब कहीं मैं और अन्नू प्लान बनाते अगर कहीं जाएंगे तो। फ्रेंड्स, खिचड़ी बन गई है, ये है, है ना, मम्मी की तो ये है ना, वो बिना नमक की खाती हैं, इसलिए वो बिना नमक की खाएंगी। मैंने अलग से, मतलब थोड़ा सा नमक डलवा लिया है, मैं ये खाऊंगा। ये मम्मी का भोग लग गया भगवान को, मम्मी ने भोग लगा दिया है, है ना, और दोपहर हुए तो भगवान को ही सुला दिया, अब वो खाएंगी। तो फ्रेंड्स, शाम के 6 बजने वाले हैं, और अभी अभी प्लान बन रहा है कि मैं और अन्नू भाई, है ना, कहाँ शहर में, मतलब कि सागर सिटी में पार्क है, चंद्रा पार्क, वहाँ घूमने जाएंगे, है ना, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, परमिशन मिल गई घर से, अभी हम जा रहे हैं चंद्रा पार्क, चलिए चंद्रा पार्क मिलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम लोग चंद्रा पार्क आ गए हैं, यहाँ बस थोड़ी नाइट वाली जो लैंप होते हैं, बस वो लगे हैं, ऐसी कुछ बड़ी लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ कुछ हम लोग के लायक खास तो है नहीं है, तो ये कह रहे थे तो चलिए चलते हैं हम मेला। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रदर्शनी, मतलब मेला आ चुके हैं, हाँ ये देख सकते हैं आप, यहीं से बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, है ना, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अंदर आ ही थे कि हमें यहाँ पर दिखा हर माल 80 रुपये, मैंने हर माल 10 रुपये सुना है, 20 रुपये सुना है, ये हर माल 80 रुपये है, ये नया है ना। फिर हम अंदर जाते गए, मतलब कि इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट या ख़ास तो नहीं था, बहुत सारी दुकानें ही लगी थी यहाँ पर, है ना। तो हम जैसे ही आगे गए तो हमें यहाँ पर दिखा कई सारी दुकानें थी, है ना। यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी, हमने देखा कि मेनली यहाँ पर जो सामान है बेचने के लिए, वो गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए और लेडीज़ के लिए है ना। और यहाँ पर ये अतुल भास्कर का मेला लगा था, जिसमें कई सारी दुकानें थी, लेकिन मैक्सिमम जो सामान था उन दुकानों में वो था होम अप्लाइंसेस वगैरह का, और गर्ल्स लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए ज़्यादा सामान था, है ना। और फिर हमने जैसे ही आगे चलना शुरू किया तो यहाँ देखा हमें हर माल 10 रुपये, अब मिला हमें हर माल 10 रुपये। और जैसे ही हम थोड़े और आगे गए वहाँ पर, तो हमें एक अजीब चीज़ मिली, जिसमें लोगों को, जो नहीं जानते, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर लूटा जा रहा था। अब वो सीक्रेट क्या है वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, है ना, तो लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को लूटा जा रहा था। फिर आगे गए हम तो कुछ ये बड़ी बड़ी राइड्स दिखी यहाँ पर, ये एक मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी, जो कि हर साल आती है, मैं कई बार बैठ भी चुका हूँ इस वाली, लेकिन रेट इनने बहुत ज़्यादा ही कर दिए हैं कुछ। फिर हम ये बड़ी बड़ी राइड्स देखते देखते आगे बढ़े,
और हमने सोचा कि अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। और रास्ते में हमें जाते जाते ये ट्रैम्पोलिन मिला जो कि छोटे बच्चों के लिए था, और हम यहाँ पर आ गए मोमो सेंटर पे, जहाँ पर हमने मोमोस खाए थे एक प्लेट जो कि काफ़ी टेस्टी थे। फिर मीठे में हमने कॉटन कैंडी खाई थी। और फिर हमने यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए भगवान की जय करते हुए यहाँ पर हमने घर के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि हम लोग वैसे ही थोड़े से लेट हो गए थे और हम यहाँ पर निकल गए अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आ गए हम अपने घर और हम ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए।